धन्यवाद सौरभ जी और इंडिया थिंक काउंसिल का कि आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें बुलाया और भागीदारी का मौका दिया। मेरे साथ मंच पर हम सबके आदरणीय संजय पासवान जी, मनोज दीक्षित जी और युवा ऊर्जा के स्रोत श्री कपिल मिश्रा जी और सामने बड़े वरिष्ठ लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, प्रवीण कांत जी, अशोक मेहता जी हैं और भी कई प्रमुख लोग यहाँ पे हैं। जैसा कि मुझे कल से आज पता चला, जो कल मैं आ नहीं पाया, पहले कल आना था लेकिन किसी कारणवश मैं यहाँ पे नहीं आ पाया, उस समय लेट आया, लेकिन कल के कार्यक्रम का जिस तरह से यह यहाँ पे स्वरूप निकल के आया है, लोगों का चिंतन हुआ और जिस तरह से इसमें जो नवनीत जिसको कहते हैं वह निकल के आया, और सौरभ जी ने मुझे बताया कि इसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे, रिपोर्ट भी बनाएंगे, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कल उभर के आए हैं। मैं सौरभ जी को काफी वर्षों से जानता हूँ, इंडिया थिंक काउंसिल इनके युवा टीम को देखा मैंने, कई कार्यक्रमों में भाग लिया, वाराणसी में, उसके बाद प्रयाग में, लखनऊ में, दिल्ली में, अब ये यहाँ पे जिस तरह से उभर के ये कार्यक्रमों को करते हैं, आता है, निकल के आता है, वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है और इसीलिए मेरा पूरा सहयोग समर्थन इनको है। मैं एक बार तालियों से चाहता हूँ कि इस पूरी टीम का लगभग 50 वर्षों से मेरे पिताजी, मेरी माँ भी आई हुई है, मेरे पिताजी के साथ में आया, जब स्वर्गाश्रम में रहे, परमात्मा कीर्तन में, गीता भवन में, मातृस्थ आश्रम में और इधर उधर कैलाश आश्रम में, इन सब में काफी रहा हूँ और पुनः वो सब चीजें मेरे ध्यान में आ गई, याद आ गई और बड़ी सुखद अनुभूतियां मेरी ऋषिकेश स्वर्गाश्रम के साथ जुड़ी हुई है। हनुमान प्रसाद पोद्दार, वैसे मुझे वैसे ध्यान नहीं है लेकिन मैं पिताजी के साथ आया था, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिन्होंने भारत में एक ज्ञान की गीता प्रेस के साथ क्रांति की है, उन लोग को देखा था कि गीता भवन के इतने लोग, ये सारा कॉन्सेप्ट जयदयाल गोयनका जी ने जिस तरह नॉलेज सेंटर की तरह डेवलप किया, परमार्थ निकेतन में जो असंगानंद जी, स्वामी शुभदेवानंद जी, इन सबको देखा है, सुना है मैंने, जिस कॉन्सेप्ट से इसको ज्ञान सेंटर की तरह जयदयाल जी, गोयनका जी और स्वामी जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता भवन से, उसके बाद रामसुखदास जी ने जिस तरह से डेवलप किया, स्वामी शुभदेवानंद जी ने, वह एक तरीके से जो पुरानी पद्धति में जो हमारे देश में हजारों सालों से चले आ रही थी, नॉलेज सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस,
बनाने की जो प्रक्रिया है उसी का जब मूर्ति रूप हम देखते हैं कि आज वो स्वामी चिदानंद जी आगे लेके चल रहे हैं, विदेशों में भी इन्होंने काफी काम किया, विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ा है, जिस तरह का एक एफिशिएंसी को लेके स्वामी चिदानंद जी ने परमार्थ निकेतन को पढ़ा किया, यह वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है। मैं इसका अभिनंदन भी करता हूँ और इसका साधुवाद। जो विषय है ज्ञान कुंभ, जिसको मैं सोचता हूँ कि केवल कुंभ कॉन्क्लेव भी नहीं, यह ज्ञान कुंभ की तरह इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है इंडिया ट्रिप काउंसिल ने। और इसमें क्यों इतने वर्षों से भारत की जो संस्कृति है, समाज है, इतने सालों से हम हजारों सालों से चला आ रहा यह समाज है, वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं तो कई जगहों पे घूमता हूँ देश में, मैंने देखा केवल त्रिजूर में ही, अभी मैं दो तीन दिन पहले त्रिजूर वगैरह से होके आया, अकेले वहाँ पे मैं आर्चबिशप कैथोलिक आर्चबिशप से भी मिल के आया, तो उन्होंने कहा कि अकेले क्रिश्चियनिटी में भी 70 डिफरेंट स्टेट्स हैं, सेक्शंस हैं जो सोसाइटी के उनके कॉन्सेप्ट। और वह कह रहे थे कि इवन इंडियन क्रिश्चियंस आर ओल्डर देन जो यूरोप वगैरह के। और फिर उसके बाद में वैदिक कल्चर सेंटर भी गया, जिस तरह से त्रिचूर का पूरा सेटअप वहाँ के राजाओं ने, उस समय के ज्ञानवर्धक लोगों ने बनाया था कि सेंटर में एक मंदिर है, बड़ा मंदिर परिसर है, उसमें आर्ट, फोक, ट्रेडिशन, कल्चर, इन सब को प्रमोट करने के लिए पूरा सेटअप उन्होंने बना रखा, जिसको जो साधना करना चाहता है वह उसको इस सारे नॉलेज को, इन सारे ट्रेडिशंस को, आर्ट को एक साधना के रूप में अपने जीवन में उतारना चाहता है, वह उसके लिए कॉपरेट सेंटर बनाया और उसके सामने आसपास सारी सिटी डेवलप। तो यह जो नॉलेज सेंटर का कॉन्सेप्ट है, यह अपने आप में भारत का एक यूनिक है। जैसे मैं कह रहा हूँ परमार्थ निकेतन का भी बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको कमर्शियल रूप में नहीं डेवलप किया रहा उस जो अपने जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। और अगर इतिहास को हम जाएं तो यह जो कॉम्प्लेक्सिटी और इतनी डेवलप हो गई, और कई बार आपने भी सुना होगा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो अलग अलग सोसाइटीज ने ग्लोबली, यानी ग्रीक सोसाइटी है, रोमन सोसाइटी है, स्पार्टन्स है, या भारत की जो इंडियन कल्चर आर्य संस्कृति है, इन सब ने कहीं ना कोई जीवन में कोई ट्रेड या किसी ट्रेडिशन या किसी एक चीज को परस्यूट किया है, उस परस्यूट में उन्होंने पूरी एफिशिएंसी, एनर्जी और टाइम लगाया है और पूरे रिसोर्सेज लगाए हैं, इस कारण वो विकसित हुई है सिविलाइजेशंस। अगर ग्रीक को हम देखें तो डेमोक्रेसी को उन्होंने काफ़ी एडवांस स्टेज में ले गए, फिलोसफी को काफ़ी एडवांस स्टेज में ले गए, और उसके कारण धीरे धीरे उस सिंगल माइंडेड परस्यूट के कारण ग्रीक सिविलाइजेशन इतनी बड़ी बनी। रोमन सिविलाइजेशन को हमने देखते हैं इतिहास में तो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ के ऊपर रोमन लॉ, आज भी अगर कोई बेसिकली कोई देखता है तो रोमन लॉ, उन्होंने लॉ को प्रस्तुत किया और सोसाइटी को डेवलप किया, सिविलाइजेशन डेवलप हुई। स्पार्टन्स का मैंने देखा, स्पार्टन कल्चर तो यह था कि फिजिकल स्ट्रेंथ, उसी को उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये तक था कि अगर बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है तो 3 दिन उसको एक पहाड़ पे ले जाते छोड़ देते थे, और जो सरवाइव करता था उसको लाके वो स्पार्टन सिटीजनशिप के रूप में उसे मान देते। तो फिजिकल स्ट्रेंथ एफिशिएंट, दैट वाज देयर परस्यूट। और भारत को अगर हम देखें तो इट वाज द परस्यूट ऑफ नॉलेज। और अब तभी हम देखते हैं कि इतने हजारों ग्रंथ हैं, विचारों की स्वतंत्रता है लेकिन आचार की रेस्ट्रिक्शन है, बट द सिंगल माइंडेड परस्यूट अगर भारत में की सिविलाइजेशन को अगर आइडेंटिफाई करें और इसकी ग्लोरी को अगर हम देखें, आज 5000 साल बाद भी वो सब खत्म हो गए लेकिन भारत इतना विकास कर रहा है, और आज यह स्थिति है कि विश्व भारत की तरफ, ग्लोबल लीडरशिप की तरफ देख रहा है, क्योंकि विश्व मानता है कि भारत में कंटेंट है, भारत में कुछ बात है कि जो उसको लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है हर चीज में। तो यह जो नॉलेज का परस्यूट है वह भारत की पहचान है, और ऐसे कुंभ कॉन्क्लेव वगैरह या आज भी जितना इंटरेस्ट से हम लोग भारत में इन चीजों को देखते हैं,
वह इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि वो सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ नॉलेज जो थी भारत की संस्कृति सिविलाइजेशन को, उसको ग्रो करने में भी काम आया और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम आया, और वही हमारी एग्जिस्टेंस और उसके एक मजबूत पिलर है, और उसी कारण आज हम प्रोग्रेस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, या हम लोग आज तक सर्वाइव कर रहे हैं, बट यह बात भी बहुत जरूरी है कि नॉलेज का डेवलपमेंट ग्रोथ वो आता है इकोनॉमी से। अगर आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ करने का वो स्ट्रेंथ है, तभी आप इजीली नॉलेज को परस्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रोटी कपड़ा मकान इसी के अंदर शिक्षा रहेगी तो कौन आगे इस तरह के ज्ञान के पिपासा वो रहेगी। और तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब स्वामी रामसुद्धा जी के पास जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो मेरे पिताजी रामसुद्धा जी के पास जब मैं पास हो गया, तो पास होने के बाद यही ऋषिकेश में स्वामी रामसुद्धा जी के पास लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये जीवन के यात्रा में आगे जाएंगे तो गोपाल जाएगा, तो आप जो कोई बात हो तो मैंने इनका बता दे। तो उन्होंने एक बात कही, वह बात मुझे आज तक याद है, कि जो मटेरियल साइंस वगैरह है, जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, उसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन परस्यू ऑफ नॉलेज यानी जो आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति है, उसमें अगर केवल और केवल रूल है तो वह पुरुषार्थ का है। तो यह बात, जबकि हम कंफ्यूजन में कई बार उल्टा करते, उल्टा ध्यान रहता है कि हम लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक परस्यूट, जिसको हम नॉलेज का परस्यूट कहते हैं, या जो कुछ भी स्पिरिचुअलिज्म को कहते हैं, उसमें हमारे भाग्य में नहीं है, और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी उसमें हम ज्यादा पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन यह काउंटर प्रोडक्टिव। तो जो बैलेंस ऑफ लाइफ है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, इनका सबका जीवन में बहुत महत्व है। और मुझे लगता है कि जो रिलीजियस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, चाहे शंकराचार्य जी को देख ले, या जो दक्षिण के थिलुवायूर जो की काफी जिनका बड़ा नाम है, जिनने काफी जो किताबें भी लिखी है, उन सबके उसके में अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ लाइफ भी बहुत जरूरी है। तो मुझे यह कुछ बातें करनी थी जो मैं सोचता था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो पर्यावरण, ये जो जो पानी के विषय, ऐसे सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इन सब चीज़ों को हमारे जीवन में एसिमिलेट करना, डे टू डे लाइफ में एसिमिलेट करना, इन सबको हमारे डे टू डे वर्किंग में एसिमिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे कुछ बातें ऐसी ध्यान में आ रही कि जैसे हम अगर नेचर का जो इम्पोर्टेंस है, इश्यूज लाइक आने वाले समय में जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, जो हमें ग्लोबल लीडरशिप में भारत को मजबूती से आगे ला के स्टैब्लिश कर सकता है, ऐसे कुछ विषय हैं जिसको हम ऐसे कॉन्क्लेव से, थिंक टैंक से आप एक चर्चा करके आगे बढ़ा सकते हैं। और यही पर्पस था, अगर भारत में आज यहाँ हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, जगह जगह कुंभ हो रहा है, कॉग्लोमरेशन थे, वह सब इसीलिए होते थे कि समाज शास्त्र को, संसार के विभिन्न विषयों को, आपस के जो डेवलपमेंट के अलग अलग क्षेत्रों को वहाँ पे आपस में शेयर करें, चर्चा करें, इवॉल्व करें, नए डेवलपमेंट करें, प्रोग्रेस किस लाइन में जाना चाहिए, उस सारे विषय बड़े महत्वपूर्ण रिलीजियस एक्टिविटीज थी। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती है आने वाले समय में भारत के लोगों को, युवा वर्ग को, और खासकर प्रोफेशनल, जिस प्रोफेशन से सौरभ जी भी जुड़े हुए हैं, मैं प्रवीण कांत जी और मैं भी जुड़ा हुआ, और भी कई लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, उस प्रोफेशंस में अगर उन चीजों में डेवलपमेंट इन विषयों को करे, थॉट प्रोसेस को अगर इंडिया थिंक काउंसिल और डेवलप करे, तो भारत को एक मजबूती से आगे बढ़ने के समय में स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आज के समय में ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलप हो रही है, उसमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन है,
यह एक बहुत बड़ा कंसर्न ग्लोबली हो रहा है। हम गंगा के किनारे हैं, यमुना में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखकर गंगा नाले की तरफ बढ़ा दिया गया। नहीं तो पहले हम यमुना में नहाते थे, सब धीरे धीरे नदियों का दोहन करके वो के दिया। अब तो काफी गंगा को, क्योंकि मोदी जी का बहुत फोकस अप्रोच रहा है नदियों के लिए, और उत्तराखंड में तो बहुत महत्वपूर्ण, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी यह डिसीजन भी दिया कि रिवर्स आर अ लिविंग बीइंग, यमुना और गंगा को उन्होंने लिविंग पर्सन की तरह, उनके ह्यूमन राइट्स को तो स्टैब्लिश करने की बात कोर्ट ने फैसला दिया है। तो उसके बाद कई तरह के नए डेवलपमेंट हो गए, लेकिन प्रकृति का, पर्यावरण का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल डेवलप करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि कई कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में उभर के आती है। चाहे बेसिकली रिवर को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं सिविलाइजेशंस के लिए, ग्लोबली अगर किसी भी मेजर सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट अगर देखें, चाहे तो वो या तो नाइल रिवर के पास हुआ, या मोहनजो हड़प्पो दारो इंडस सिंधु नदी के, इंडस सरस्वती नदी के किनारे हुआ, और जैसे ही नदी लुप्त हुई तो वह सिविलाइजेशन भी लुप्त हो गए। तो इसलिए रिवर्स का किसी भी सिविलाइजेशन में जैसा नॉलेज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वैसा नेचुरल रिसोर्सेज का भी सिविलाइजेशन के ग्रोथ में और आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज, इस तरह के इश्यूज हैं जिसपे काम किया जा सकता है कि ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हु इज द ओनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यह सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। अगर ग्राउंड वाटर आज हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या रिवर्स को यूज करते हैं, वो करते हैं, तो क्या इंडिविजुअल व्यक्ति उस वाटर जो पानी का ओनर है, सरकार है, या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दिया जा सकता है? तो इन चीजों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत चीजें स्पष्ट उसमें नहीं है, लेकिन कुछ स्पष्ट कॉन्सेप्चुअली है कि इवन जो सरकारें हैं, दे आर द ट्रस्टी, दे आर नॉट द ओनर। तो ऐसे जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं कि नदियों को, ग्राउंड वाटर को प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दे दिया जाए, और उस तरह के इश्यूज में तो ओनरशिप है, ट्रस्टीशिप है, फिर इन चीजों की अवेलेबिलिटी सर किस तरह से आम जनता तक पहुंचाई जाए, इन सब चीजों पे भी काम हो सकता है। और अकाउंटिंग के रूप में भी कुछ चीजें मेरे ध्यान में आ रही है जो मैं बेसिकली पॉइंट आउट करके जाऊंगा, क्योंकि यह चीजें अगर इन क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हो सकता है। वह है एक एरिया है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अगर किसी भी सरकारी पॉलिसीज में या इवन प्राइवेट कंपनीज वगैरह में भी अगर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को स्पेस मिलता है बैलेंस शीट में या उसके रिपोर्ट्स में या उनके स्टेटमेंट्स में एक्सेट्रा में, तो आप कई चीजों को और स्ट्रीमलाइन करके इजीली उन चीजों को कर सकते हैं। तो यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर और काम होने की जरूरत है, और वह भारत में कई चीजों को, जिन जिन चीजों को हम कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर समझते हैं, जिन चीजों पे उन पे अच्छा काम, उसमें एक क्लियर कट डायरेक्शंस आगे मिल सकती है। फिर जैसे आज पॉल्यूशन के बारे में कई कंसर्न्स होती हैं, अब पॉल्यूशन को कई बार हम रिवर्स को वगैरह को पॉल्यूट कर देते हैं, सीवेज डिस्चार्ज को ही देखते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा कितना सीवेज डिस्चार्ज वगैरह ओपनली होता था पहले, चाहे कितने ही भक्ति के लोगों में गंगा को कितना ही पवित्र मानते थे, लेकिन ओपनली सीवेज डिस्चार्ज यहाँ पे खूब होता था, धीरे धीरे रुका। तो जैसे ये कॉन्सेप्चुअल चीजें डेवलप हुई, लोगों के ध्यान में आई, तो इस चीजों के प्रति अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बड़ी, और इन चीजों को पॉलिसीज के अंदर इंकॉर्पोरेट किया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर इंकॉर्पोरेट किया। तो एक बड़ा एरिया ऑफ वर्क है वह है ये जो एक्सटर्नलिटीज है। मान लो आपने पानी को यूज किया, इस्तेमाल किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में दो चीजें महत्वपूर्ण है, लेवल ऑफ एजुकेशन,
केवल व्यक्ति के साथ में किस लेवल ऑफ एजुकेशन है डेवलप हो रहा है आने वाले समय कि आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो यू हैव टू फर्स्ट गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रेजिलिएंट टू द इकोनॉमिक दिस नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से आप उसकी एस्टेब्लिश करते हैं। मैं चाइना वगैरह भी काफी गया, उन्होंने जबकि चाइना ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेचर को काफी उन्होंने शुरू में डिस्ट्रॉय किया, बट आज के समय में आने वाले समय में उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रेडिंग की है 1, 2, 3, 4, 5 और उसके हिसाब से जो वर्स्ट जो एरिया है वो 5 ग्रेडिंग दिए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम करते। तो यह चीजों से क्या होगा कि आपकी थॉट प्रोसेस को अपने आप एसिमिलेट हो जाएगा, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वह आपके क्योंकि हर आदमी को हर चीज एकदम पूरा समझा नहीं सकते लेकिन एक प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह जो चीजें हैं यही महत्वपूर्ण है कि इन चीजों को आप अपने थॉट प्रोसेस और ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और तब जाके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ मॉडल आप रोड मैप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कितना आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं इन सारी चीजों को डिटरमाइन करता है। तो आने वाले समय में पीढ़ी में आप ग्लोबल लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं बढ़ सकते हैं। अगर आप इन चीजों पे हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम ग्लोबल लीडरशिप की तरफ नहीं जा सकते। और मैं ये मानता हूं कि ग्लोबली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ विल डिटरमाइन द लीडरशिप और भारत बहुत अच्छी पोजीशन में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज ऑफ नॉलेज थिंग्स आर नॉट वेरी बट वंस दीस थिंग्स आर डन इन टू एनी पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग एटसेट्रा एंड विजन एंड अवेयरनेस तो आज ऑटोमेटिकली हो जाता है। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो होती है लीडर्स जो होते हैं वह नरेशन और परसेप्शन पे बहुत चलते हैं डिसीजन। तो जो जनता के अवेयरनेस हमारे यहाँ पे समाज का जो लीडरशिप थे इवन ब्रह्म जो ब्रह्मदंड को राजदंड से ऊपर माना था सिंपल लिविंग और वो होने के बाद भी कभी भी नॉलेज को स्पेस हरदम स्वदेशे पूछते राजा विद्वान सर्वत्र पूछते। तो सोसाइटीज को लीडरशिप सस्टेनेबल रेसिलिएंट सर्टिफिकेट्स इन सब काम में हम लोग काम करेंगे। इनकी टीम सौरभ जी की बड़ी कैपेबल है और काफी फोकस अप्रोच से ये काम करते हैं और मैंने इनका काम बहुत क्लोजली देखा विषय को गहराई से जाके उसके अंदर कंटेंट भी डेवलप करके। यह भारत में बहुत कमी है इस चीज की जो कि हम फोकस अप्रोच के साथ नहीं कर पाते। और मैं तो अपने आप में बहुत आश्वस्त हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो विजन के साथ वो चलते हैं जिस इकोनॉमिक फोकस के साथ चलते हैं तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और तेज होगी तो हमारी जो नॉलेज बेस्ड कंटेंट है वह भी काफी ग्रो होगा। और कुंभ जैसे कॉन्क्लेव ऐसे कॉन्सेप्ट चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो 52 शक्तिपीठ हो 4 अध्यात्म शंकराचार्य के मठ हो और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर सोसाइटी में हमारे एंशिएंट सिस्टम्स ने थॉट प्रोसेस ऋषिज ने क्रिएट किया हुआ है और हम उसको लीवरेज करके मॉडर्न इकोनॉमी के साथ जोड़ के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ के ग्लोबल लीडरशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे। और अर्थव्यवस्था का इतना महत्व है कई बार हम लोग कई बार रिलीजियस पर्सन और उस चीज में हम सोचते हैं कि धर्म का भी बहुत महत्व है। और 300 साल पहले तक भी जब कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर नहीं होता उसके पहले भी ग्लोबल इकोनॉमी का 27% ग्लोबल ट्रेड को अगर भारत कंट्रोल करता था चोला वगैरह राजा थे जिनके ह्यूज सी रूट्स पे कंट्रोल था शिप बिल्डिंग एंड ये थी ऐसे सब चीजें थी तो वह सब चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीजों को हमें ध्यान रखना था और हम अवश्य इन चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और धन्यवाद दूंगा सौरभ जी को कि मुझे In spite of all the developments
made by China, which you have just narrated. Why China has spent, what is the policy behind ये कोविड फैलाने का, क्यों फैल गया पैंडेमिक हो गया? एंड चाइना इज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर ओन डेवलपमेंट एंड wants to get on the top, but why he has failed to control COVID and pandemic? देखिए, हमारे लिए चाइना विषय नहीं है, लीडर हम हैं। चाइना की सिविलाइजेशन पुरानी होगी, अभी इस बात पे ध्यान हम फोकस करेंगे कि हम ग्लोबल लीडरशिप भारत कैसे लेगा। आज के समय में पॉलिटिकल लीडरशिप में वह कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, विल पावर है, और भारत की सोसाइटी में वो कैपेबिलिटी है। जब बाकी आप चाहे ये जो अमृत सेन वगैरह की कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रोल वगैरह में, सोशल वेलफेयर वगैरह में उन्होंने कुछ बातें अच्छी की हैं कि इनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट करना सरकार का काम है, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग कंटेंट अगर जिसमें होता है तो वह ग्रोथ कर जाता है। तो सरकार का इनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट करने की बात है, कैपेसिटी वगैरह को समाज के लोगों को बढ़ा के आगे ले जाना चाहिए, और एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, ये तीन चीजों पे अगर हमने ध्यान दे दिया, हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरमेंट में, तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस हो जाएगी, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस पे जो हमारा नॉलेज बेस है उसको आगे हम लीवरेज कर देंगे, और अल्टीमेटली दिनकर जी का भी कल परसों में कोई को तो उनने कहा था, विश्व नहीं सुनता पायरों का व्यर्थ प्रकल्प। अगर हम कितनी भी ज्ञान की बातें करते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो नहीं कोई सुनेगा। मुझे लगता है कि यह बात बहुत। थैंक यू।